एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी टीनेजर मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन, जो बहुत अफोर्डेबल है, बहुत इफेक्टिव है एंड इजी टू डू है, जो 4 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाता है। एंड गाइज, वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में बताऊंगी आपको मैं 5 गोल्डन टिप्स जो आपके स्किन केयर रूटीन को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बना देंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टेप 1 है क्लेंजर। एंड टीनेजर्स को ना अपने स्किन टाइप के हिसाब से सही क्लेंजर चुनना चाहिए। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ऑयल फ्री और सैलिसिलिक एसिड या टी ट्री ऑयल से भरा क्लेंजर यूज़ कर सकते हो आप। एंड अगर आपकी स्किन ड्राई है तो जेंटल एंड मॉइस्चराइजिंग क्लेंजर का यूज़ कर सकते हो। और टीनेजर्स को ना सुबह और रात को क्लेंजर का यूज़ करना चाहिए। ऐसा करने से स्किन साफ़ रखने में हेल्प मिलती है और एक्ने की प्रॉब्लम भी कम होती है। और क्लेंजर को ना सर्कुलर मोशन में लगाना चाहिए। ज़्यादा ज़ोर से रगड़ने या स्क्रब करने पे स्किन को नुकसान हो सकता है, इसलिए हल्के हाथों से क्लेंजर को सर्कुलर मोशन में लगाना चाहिए। एंड गाइस, क्लेंजर का 2 टाइम यूज़ करना काफ़ी है। अगर स्किन को ज़्यादा बार वॉश करेंगे ना तो उसका नेचुरल ऑयल भी हटने लगेगा, जिससे स्किन बेजान हो सकती है। इसलिए दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार क्लेंजर का यूज़ करना काफ़ी है। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया पतंजलि का एलोवेरा वाला फेस वॉश, और इसे लगाने पे ना बहुत ही कूलिंग इफेक्ट मिलता है स्किन पे। एंड ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, सिर्फ 35 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। एंड इसे लगाने के बाद रिंस ऑफ कर लेना है एंड उसके बाद पैड ड्राई करना है। सेकेंड स्टेप है टोनर। और टीनेजर्स को अपने स्किन के अकॉर्डिंग सही टोनर चुनना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो एस्ट्रिंजेंट टोनर जैसे कि सैलिसिलिक एसिड या टी ट्री ऑयल वाला टोनर यूज़ कर सकते हो। या आपकी स्किन ड्राई है तो हाइड्रेटिंग टोनर को यूज़ करो, जिसमें ग्लिसरीन या रोज वाटर शामिल हो। और टोनर को लगाने से ना जो भी बचे हुए ट्रेसेस हैं डर्ट के, क्लेंजर के, वो भी रिमूव हो जाएंगे। एंड गाइस, टोनर के स्किन को साफ रखने के साथ साथ और भी बहुत सारे फायदे होते हैं। ये स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करता है, पोर्स को साफ करता है, एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करता है और स्किन को फ्रेश बनाता है। और टीनेजर्स को ना अल्कोहल से बने टोनर से बचना चाहिए, क्योंकि स्किन को ड्राई और इरिटेट कर सकते हैं। तो मैंने रोज़ वाटर का यूज़ किया है एज अ टोनर, और आप इसे कॉटन पैड की हेल्प से भी लगा सकते हो या जेंटली पैड करते करते अप्लाई कर सकते हो अपनी स्किन पे। तो 3rd स्टेप है मॉइस्चराइजर। टीनेजर्स को ना अपने स्किन के हिसाब से मॉइस्चराइजर चुनना चाहिए। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ऑयल फ्री एंड पोर्स को ना ब्लॉक करने वाला मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आपकी स्किन ड्राई है तो थिकर एंड मॉइस्चराइजिंग क्रीम का यूज़ कर सकते हो। तो क्लेंजर और टोनर के बाद अपने चेहरे और गर्दन पर मॉइस्चराइजर लगाओ। इससे स्किन को पोषण मिलता है और नमी मिलती है और स्किन फ्रेश एंड हेल्दी रहती है। और टीनेजर्स को लाइट वेट और नॉन ग्रीसी मॉइस्चराइजर का यूज़ करना चाहिए। इससे स्किन को नमी मिलती है, स्किन को बिना चिपचिपा बनाए। जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, स्पेशली ऑयली स्किन वालों के लिए। एंड गाइस, मॉइस्चराइजर लगाने के थोड़े टाइम बाद ही सनस्क्रीन लगानी चाहिए। आपको कम से कम लगभग 10 से 15 मिनट का टाइम देना चाहिए, ताकि मॉइस्चराइजर आपकी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके और फिर सनस्क्रीन उस पर लगाने से पहले स्किन पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन सके। तो गाइज, मैंने यहाँ पे यूज़ किया है लैक्टोकैलामाइन का फेस लोशन, और इसका प्राइस 130 रुपीज़ है एंड ये कॉम्बिनेशन टू नॉर्मल स्किन के लिए है। तो गाइज, हमारा 4th एंड लास्ट स्टेप है सनस्क्रीन। तो टीनेजर्स को अपने स्किन के लिए सही SPF लेवल का सनस्क्रीन चूज़ करना चाहिए। कम से कम SPF 30 से शुरू करके SPF 50 तक का सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। इससे स्किन को हार्मफुल UV रेस से अच्छे से बचाया जा सकता है। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन का यूज़ करना चाहिए, जिससे स्किन को UVA और UVB दोनों तरह के रेस से प्रोटेक्शन मिले। और सनस्क्रीन को सिर्फ अपने फेस पे ही नहीं, अदर बॉडी पार्ट्स पे भी अप्लाई करो, इंक्लूडिंग योर नेक, हैंड्स एंड लेग्स। एंड गाइज, अगर आप बाहर घूमने जा रहे हो या टाइम स्पेंड करने जा रहे हो तो हर 2 घंटे में सनस्क्रीन को रीअप्लाई करो। तो गाइज, मैंने यहाँ पे यूज़ किया है नेचर सेसेंस का सनस्क्रीन विद SPF 30 PA++, और ये UVA एंड UVB दोनों रेस से प्रोटेक्शन देता है। एंड ये नॉन स्टिकी है, नॉन ऑयली और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, ₹100 में आपको मिल जाएगा। तो गाइज, लास्ट में लगाना है लिप बाम, जो लिप्स को हाइड्रेट रखे। एंड ये था हमारा टीनेजर्स मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। टिप नंबर 1, अपने फेस को बार बार टच करना अवॉइड करो। हमारे हाथ पे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, ऑयल होता है, जो हमारे फेस पर ट्रांसफर हो सकता है। बैक्टीरिया और ऑयल हमारे पोर्स को ब्लॉक कर सकता है एंड उसके बाद स्किन प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जैसे पिंपल्स हो सकते हैं, दाग धब्बे हो सकते हैं। इसलिए अपने फेस को बार बार टच करना अवॉइड करो।
टिप नंबर टू, जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट लाओ तो उसका पेस्ट टेस्ट जरूर करो अपने फेस पे अप्लाई करने से पहले, ताकि आपको पता चल पाए कि ये आपके लिए सेफ प्रोडक्ट है या नहीं है, या फिर आपको इससे कोई एलर्जिक रिएक्शन है या नहीं है। टिप नंबर थ्री, अगर अंदर से ग्लो चाहते हो ना तो पानी पीना बहुत ज़रूरी है। पानी पीने के बहुत सारे फायदे होते हैं, हमारी बॉडी हाइड्रेट रहती है, फ्रेश रहती है एंड हमारी बॉडी में नमी बनी रहती है, जिससे हमारी स्किन में एक चमक आती है, नेचुरल ग्लो आता है। इसलिए दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पीना ज़रूरी है। टिप नंबर फोर, एक हेल्थी डाइट मेंटेन करो। फास्ट फूड खाने से कुछ नहीं होता, उससे सिर्फ प्रॉब्लम्स ही हो सकती हैं। हेल्थी डाइट मेंटेन करेंगे तो हमारी बॉडी भी अच्छी रहेगी, हमारे स्किन की हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी। टिप नंबर फाइव, इनफ स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोते टाइम हमारी स्किन रिजनरेट होती है, रिपेयर होती है, और अगर हम इनफ स्लीप नहीं लेंगे तो क्या होगा, हमारी स्किन ना रिपेयर हो पाएगी ना रिजनरेट हो पाएगी, जिससे स्किन प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। इसलिए इनफ स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, एंड वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना, एंड ऐसे ही और स्किन केयर वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।